नरेंद्र मोदी ने अपने संभावी मंत्रियों नाल चाह ते कीती चर्चा। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह रहे मौजूद। पंजाब तो रवनीत बिट्टू बनाए जा रहे ने केंद्रीय राज मंत्री। रवनीत बिट्टू नूं मिलिया केंद्रीय राज मंत्री दा अहुदा। बोले, हार दे बावजूद NDA कैबिनेट दा हिस्सा बनाउण लई धन्नवाद। मंत्रीमंडल च पंजाब नूं दित्ती जा रही तरजीह। हरियाणा तो 3 MP बन गए मंत्री। सबका CM मनोहर लाल खट्टर मोदी कैबिनेट छोरे ने शामिल। कृष्ण पाल गुज्जर ते राव इंदरजीत नूं भी मिली नुमाइंदगी। मोहाली च किसान जथेबंदियों का इंसाफ मार्च। किसानों ने SSP दफ्तर पहुंच के सौंपिया मांग पत्र। CISF कॉन्सटेबल कुलविंदर कौर के हक च बुलंद की आवाज। ड्रग केस च SIT ने बिक्रम मजीठिया मुड़ किया तलब। 18 जून न पेश होने लई समन। DIG HS कुल्लर की अगवाई वाली SIT करेगी सवाल जवाब। DGP गौरव यादव का पंजाब पुलिस के अफसरों निर्देश। जनतक शिकायतों के निपटारे लिए सवेरे 11 to 1 बजे तक दफ्तर च मौजूद रहने के हुक्म। क्या कानून व्यवस्था मजबूत रखने लिए पंजाब पुलिस वचन। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप च भारत ते पाकिस्तान विचाले महामुकाबले नूं लैके फैंस का जोश हाई। टीम इंडिया की जित नूं लैके कर रहे ने दुआवां। न्यूयॉर्क स्टेडियम च शाम 8 बजे शुरू होएगा। पंच तत्तां च विलीन होए रामोजी राव। सरकारी सन्मानां नाल दित्ती गई अंतिम विदाई। चंद्रबाबू नायडू ने दिता मोढा। मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारतवर्ष को विश्व गुरु का गौरव दिलाने PM मोदी की तीसरी शपथ आज शाम 6 बजे सिर्फ News 18 नेटवर्क पर। हर भारतीय देखेगा अपनी भाषा में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पंजाब तो रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय राज मंत्री वजो अज सहु चुकन जा रहे ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट उन्होंने BJP वालों बनाया जा रहा है। लुधियाना तो बिट्टू चोन हारे सी, पर इसके बावजूद NDA कैबिनेट का बिट्टू नू हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसके लिए बिट्टू ने NDA का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि NDA ने मंत्रीमंडल के पंजाब नू तरजीह दी है और हुण मेरी जिम्मेवारी होर भी ज़्यादा वध गई है। उन्होंने कहा कि किसानों नाल भी असी गलबात करांगे और जो उन्होंने मसले ने उन्होंने सुलझाया जाएगा। उन्होंने गलत फहमियां ने उसू दूर करा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग कांग्रेस को रिजैक्ट कर चुके हैं। BJP को इन चोणों के काफ़ी मजबूती मिली है और असी हूँ 2027 वाल जोरदार तरीके वधांगे। सो रवनीत सिंह बिट्टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट वजो सहु चुक रहे ने। अज जिन्हों कैबिनेट च लिया जाना है उन्होंने सदा दिता गया सी चाह ते, और उस दे विच रवनीत बिट्टू भी शामिल सन। और उस तो बाद रवनीत बिट्टू ने मीडिया नाल गलबात की बाहर आके, और उन्होंने कहा कि जो जो प्रधानमंत्री वालों गुरमंत्र दिते गए ने उसके मुताबिक ही वो अगे वधनगे और खास टारगेट जिहड़ा है उन्हां दा वो पंजाब दे विच BJP की मजबूती नूं लैके रहेगा, क्योंकि हुण सामने 2027 का टारगेट है। तो 2027 की चोण दे विच BJP जोरदार तरीके नाल अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगी। यह दावा रवनीत सिंह बिट्टू वालों किया गया। ऐसे देख रहे प्रधानमंत्री के इस फैसले को, आपको चुना है? देखो, पहले ये पहले दिखाते परिवार के लोग हैं, बच्चे पूरे बड़े नमोश थे, क्योंकि अब बड़े हो चुके हैं। इलेक्शनों में हार कभी देखी नहीं थी, लेकिन आज अब सब, क्योंकि इनको पहले पता ही नहीं था, तो अभी जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया हूं तो इनको पता चला है। तो पहली बात, मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आप मेरे आज से 15 साल से 20 साल से आप मेरे दोस्त हैं। मैं कभी भी मतलब अपने बात कहने में पीछे नहीं हटता, लेकिन वो कहने का तरीका होता है। मैं कभी किसी को गाली गलौज पे नहीं पहुंचा, लेकिन आज देखो इससे बड़ी बात क्या होगी। देश में बहुत MP जीते हैं,
पर लेकिन हम जीत ना पाए और फिर भी मोदी साहब ने और अमित शाह जी नड्डा जी ने तो खरीद ही लिया ना पंजाब, ना प्रायोरिटी होने पे, ना जीत, ना अपनी जीत पाना, फिर भी कैबिनेट में लाना, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है भाई, पंजाब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब मेरा जो काम शुरू होता है भी कैसे मैंने बीजेपी को और कैसे मैंने वहाँ पे पंजाब को खुशहाल बनाना है दोबारा, जो बाहर जा रहा है, जो ड्रग्स में फंसा हुआ है, कर्जे में फंसा है, उसे दोबारा कैसे एक ब्रिज बनने का काम जो अब मैं करूंगा और पंजाब दोबारा खुशहाल बनाऊंगा। आपको थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि इस तरह का कॉल आएगा, और कॉल कब आया, कितने बजे आया, किसको आया, आप ही को आया, परिवार में घर पे आया? सच्ची बात बताऊं 100% उम्मीद थी जी, ये बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं लगा। और मैं इलेक्शन में भी यही मैंने बोला भी आप जितना आप फायदा कर सकते हो कर लो, क्योंकि बीजेपी ने प्रायोरिटी पे पंजाब को लेना ही लेना है, वो प्रायोरिटी आज फिर दिखाई उन्होंने। लेकिन ये कभी नहीं था भी मैं मंत्री नहीं बनूंगा, वहां मुझे चौथी बार एमपी बनके ऑपोजिशन में वो मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं चार बार अपनी तनख्वाह गाड़ी घोड़ा लेके घूमता था, लेकिन पंजाब के लिए क्या करता था, पंजाब के लोगों के लिए मैं क्या करता था, कुछ भी नहीं। लेकिन किसान तो नाराज हैं, ये कहा जा रहा है किसान को हम समझा नहीं पाए बात। अब मेरी जिम्मेवारी है, जो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, जो मुझे अमित शाह जी ने बोला है, नड्डा जी ने भी, हर घर जाके दरवाजा खड़का के उनको समझाना है, और जो भी उनकी मुद्दे हैं वो वहां से ब्रिज बनके मैं बिल्कुल ठीक करके 27 तक आप देखेंगे वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी। रवनीत जी, आप तो वैसे परिवार से कांग्रेसी परिवार से रहे, बीजेपी में है, कांग्रेस में भी बहुत वर्षों तक सांसद रहे, ये कौन है? ये मेरे भाई की बेटी है। तो परिवार में आज बहुत खुशी होगी आज? हाँ, अब देखो परिवार तो कल इसीलिए आया था भी, मैं दिल्ली आ गया था, उनको ये था भी ये थोड़ा नमोश होगा, इसलिए सारी फैमिली कल इकट्ठे होके यहाँ आ गई थी, एकजुटता दिखाने, भावना में मजबूती दिखाने होती है, और क्योंकि पर भगवान को जो मंजूर, वो एक मिनट में अर्श से फर्श, फर्श से अर्श पे पहुँचा देता है, तो आज वही काम हुआ है, तो इसलिए मैं तो, मेरे पास तो अब शब्द नहीं है। ये बताइए, अंतिम सवाल करूंगा आपसे, परिवार के लोगों से बाद में बात करूंगा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चल गया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर मिला, कैसे देखते हैं सरकार चलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इंडी अलायंस का रुख क्या होगा? देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना, भी तीन टर्में मिला के ये 200 नहीं होते जी, तो 240 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, और जो एनडीए कह रहे हैं वो तो एनडीए इलेक्शन ही ऐसे बाद में जोड़ तोड़ थोड़ी हुई है कोई, ये एनडीए जो है वो इलेक्शन ही एनडीए पे लड़ा है, वो दोनों तीनों चारों पार्टी, और उसकी वजह से वो गवर्नमेंट बन रही है, जहाँ तो हो ना कोई जोड़ तोड़ हो। आप एक बात मेरी याद रखना, आम आदमी तो भाग गई जी, वो तो निकल गई कल परसों, और मैं आपको ये कह दूं भी एक दिन अखिलेश, और वो तो रिश्तेदार ही है लालू के बेटे TSB, और ये अलग होंगे, ममता अलग होगी, कांग्रेस अकेली रह जाएगी, इसके साथ कोई नहीं रहेगा, मैं आपको ये आज ही बता देता हूँ, ये आने वाले 6 महीने के अंदर ये आपको स्थिति बनेगी। जो फैसला LOP बनने का नहीं आज तक कर पाए कांग्रेस पार्टी, आज LOP बनने का फैसला नहीं कर पाई, वो किसको इकट्ठा रखेगी यार? और यही नीतीश कुमार थे, मुझे पता है वो कन्वीनर बनने की बात कर रहे थे, और कन्वीनर तक इन्होंने बनाने नहीं दिया। तो रवनीत बिट्टू और परिवार के लोगों से बात करते हैं, आप कौन हैं? मैं रवनीत बिट्टू। कैसा लगा आज आप लोग यहाँ जुट गए? उन्होंने बताया कि सारे लोग जुट गए थे, तो इस तरह की उम्मीद थी कि ये ऑफर आएगा, लुधियाना से हार गए थे, आप लोग को उम्मीद थी? देखिए जी, विश्वास था, बिल्कुल विश्वास था, मोदी जी पे विश्वास था, अमित शाह जी पे विश्वास था, और आज वो विश्वास खरा उतरा है। जी, आप माता जी हैं रवनीत जी की माँ, मैम आपको उम्मीद थी कि रवनीत जी लुधियाना से भले हार गए लेकिन ये ऑफर आएगा जैसा रवनीत जी कह रहे हैं? नहीं, पहले मैंने हारना भी कभी नहीं सोचा था अपने बच्चे के लिए, मैंने 3 बार उसकी जीत देखी, मैंने हारना नहीं सकता, लेकिन मेरा बेटा हार के भी जीता है, हार के भी जीता, सारा लुधियाना ने जिताया है, सब पब्लिक हमारे साथ है, ये तो थोड़ी बहुत रूरल में प्रॉब्लम आ गई। पंजाब में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लगता है कि मोदी सरकार 5 साल पूरा करेगी? इंडिया पूरा करेगी, पूरा बिल्कुल पूरा करेंगे, पंजाब में प्रॉब्लम नहीं आई, पंजाब में परसेंटेज बढ़ी है। कैसे मंत्री साबित होंगे? मेरा बेटा
बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि वो सरदार बेअंत सिंह जी जिन्होंने खून अपना सींचा है पंजाब, उसका पोता है। बिल्कुल, बेअंत सिंह के पोते कैसे मंत्री साबित होंगे, क्या लगता है? बहुत अच्छे, 100% अपना देंगे वो, और मुझे पूरा विश्वास है स्पेशली लुधियाने के लिए और पंजाब के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। क्या लगता है आपको, कैसे मंत्री साबित होंगे? घर में तो उन्हें आप लोग देखते हैं, कैसे साबित होंगे? बहुत बढ़िया जी, मैं तो अभी नहीं हूँ इस परिवार में, 5 साल ही हुए हैं शादी हुए, बट जब से उनसे मिली हूँ इनके जैसा नेक इंसान बनना बहुत मुश्किल है, तो इनके जैसा मंत्री तो बहुत अच्छे मंत्री साबित होंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरह से घर में इनका व्यवहार रहता है उसी तरह का व्यवहार मंत्रालय में भी अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल, देखिए जी बिट्टू जी ने हमेशा से ही कोशिश करी है सच का साथ देने की, घर पे भी और बाहर भी, हमेशा सच के साथ खड़े हैं, अच्छाई के साथ खड़े हैं और आगे भी ऐसे खड़े हैं। आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है, पंजाब लगातार डिस्टर्ब रहता है, किसान का आंदोलन हो या फिर जो खालिस्तानी आंदोलन हो, तो लगता है कि इन सब चीज़ों को बीजेपी के लिए डील कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी के बस की बात नहीं रही, अब बीजेपी अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं उनका साथ हमें बहुत चाहिए, रवनीत बिट्टू जी को, जो लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है पंजाब में वो यही ठीक कर सकते हैं। बीजेपी का मैम, आप कितनी बड़ी खुशी है परिवार के लिए, आप उनकी पत्नी है, कैसे देखती हैं? देखो खुशी तो बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब हमने पंजाब के दरवाजे मोदी जी के लिए खोल लिए, हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए कैसे मंत्री साबित होंगे, आप उनको सबसे करीब से जानती हैं, घर में भी देखती हैं, कैसे साबित होंगे? क्योंकि अपनी बात खुल के रखते हैं, मैं भी उनको 15 साल से देख रहा हूं, लेकिन बहुत सॉफ्ट तरीके से रखते हैं, तो कैसे मंत्री साबित होंगे रवनीत जी? देखो 10 साल से देख रहे थे बीजेपी, सारे देख रहे थे, उन्होंने ये देखा कि ये आदमी काम करने वाला है, पंजाब को अगर बदल सकता है तो ये आदमी में वो कैलिबर है, तो उन्होंने ये विश्वास जता के भेजा। हार जीत, जीते तो हम हरबंद से थे, कोई नहीं, मंत्री बन गए हैं, अब हम पंजाब का देखना तो सही, आप 2-3 सालों में सरकार भी लेके आएंगे, नशा गैंगस्टर खत्म करके दिखाएंगे। तो नशा और गैंगस्टर खत्म करके दिखाएंगे, परिवार के लोग थे रवनीत जी ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। रवनीत सिंह बिट्टू ते उन्हां दा परिवार न्यूज 18 नाल गलबात कर रहा सी, अपनी खुशी जाहिर कर रहा सी। मोदी सरकार वल्लों रवनीत बिट्टू नूं केंद्री राज मंत्री बनाए जाण ते लुधियाणा दे विच बिट्टू दे समर्थक जिहड़े ने ओह जशन मना रहे ने, ओह वी तस्वीरां असीं तुहानूं दिखावांगे। लुधियाणा तो असी 2 तस्वीर दिखा रहे हाँ, बेशक रवनीत बिट्टू लुधियाणा तो चोन हार गए, पर जिन्हें जेडे रवनीत बिट्टू के वोटर ने जेडे बीजेपी के समर्थक ने लुधियाणा दे विच, ओ अज खुशियां मना रहे ने, लड्डू वंड रहे ने, खुशियां मना रहे ने, ढोल ते भंगड़े पाए जा रहे ने कि रवनीत बिट्टू नू कैबिनेट दे विच जगह दिती गई है NDA वल्लों। उधर रवनीत बिट्टू नूं हराउण वाले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी उन्हां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने, मोदी कैबिनेट च मंत्री बनन ते वधाई दित्ती है। राजा वड़िंग ने कहा है कि उम्मीद है कि हुण वड्डे वड्डे काम होणगे। उन्हां कहा कि पंजाब लई हिस्सा लैके आउणा बिट्टू की जिम्मेवारी है। बुढ़े नाले का जिक्र किया, उन्हां कहा कि लुधियाणा दे विच बुढ़े नाले वाली परेशानी नूं दूर करना होगा। मैं बधाई देता हूं जो भी व्यक्ति आज हमारे साथी मंत्री बन रहे हैं, और आदरणीय बिट्टू साहब, क्योंकि जो पुराने मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो आगे बढ़े फूलें, ये मैं अंदर से कामना करता हूं, और आपके माध्यम से बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि अच्छी बात है, पंजाब के लिए और कार्य होगा, काम होंगे, लोगों की
बहुत सारी अपेक्षाएं हैं सरकारों से, तीसरी बार सरकार बनी है मोदी साहब की, और मेरे को लगता है कि बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। अब तो बिल्कुल अगर मंत्रालय बन रहे हैं वो तो उनका सीधा सीधा एक हिस्सा बन जाता है, पंजाब के लिए हिस्सा लाना। और बहुत सी चीज़ों में पंजाब पछड़ा हुआ था, पैकेजेस में, इंडस्ट्री के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दों पे, और ड्रग्स इश्यूज था, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू था, और मेरे को लगता है लुधियाना की बहुत बड़े बड़े इश्यूज है, हमारा बुड्ढा नाला का बहुत बड़ा इशू है। तो अगर वो खुद मंत्री बन रहे हैं तो मेरे को लगता है और कोशिश वो उनको तमाम से काम कराने चाहिए। मोदी कैबिनेट दे विच 50 तो ज़्यादा ऐसे चेहरे ने जिन्हां दी एंट्री होन जा रही है, कुछ पुराने चेहरे ने, कुछ नूं पहली बार मौका मिल जा रहा है। पंजाब तो रवनीत सिंह बिट्टू का जिक्र कर रहे हैं, पिछली सरकार दे विच सोम प्रकाश स्टेट मिनिस्टर सन, इस वारी रवनीत सिंह बिट्टू स्टेट मिनिस्टर बनन जा रहे हैं, शाम नूं सौं चुकी जानी है। सो बहुत सारे ऐसे चेहरे ने जो पहली बार इस कैबिनेट का हिस्सा होणगे, और बहुत सारे ऐसे चेहरे ने जो लगातार तीन वारियां तो यानी दो वारी पहला ते हुण तीसरी वार लगातार मंत्री बन जा रहे ने। सो अज वो सारे चेहरे प्रधानमंत्री दे नाल चाह पार्टी ते इकट्ठे होए, प्रधानमंत्री वल्लों उन्हां नूं गुरमंत्र दिता गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था, और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। कितने एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, बाकी की जानकारियाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी, दोनों लोग आते। देश की सेवा का सौभाग्य, जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदय पूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और का कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मान सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मोदी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना।